ओम शांति ओम शांति ओम शांति। हम बाबा कहते हैं इस बारी पहली बार जो आए हैं बाप दादा से मिलने को हाथ उठाओ। इस सभा में है कोई पहली बार आए है? बहुत अच्छा, सभी उठो, मुबारक हो। फिर भी समाप्ति से पहले आ गए, नया जन्म ले लिया है, इसकी सभी के तरफ से अभी आने वाले बच्चों को बाप दादा और चारों ओर के बच्चों द्वारा बाबा अपने और सबके द्वारा मुबारक हो, मुबारक हो। तो पहली बार आया ताली बजाई आप। ब्राह्मण परिवार को देखकर खुशी होती है ना कि हम इतने बड़े परिवार में आ गए, लेकिन जो अभी आए हो उनको बाप दादा यही कहते हैं अभी बहुत समय बीत गया है, बहुत थोड़ा सा संगम रहा है, इसलिए पुरुषार्थ तीव्र करना है। तीव्र पुरुषार्थ करके आगे बढ़ना नहीं है, चलना नहीं है, उड़ना है। उड़ती कला का पुरुषार्थ करोगे तो बाप का वर्षा देर से आते हुए भी अब सुन लो पूरा अपना हक ले सकते हो। देर से आते हुए भी पूर्ति कला से पूरा हक अभी भी ले सकते हो, इसके लिए तो आपको ताली बजाएं। हर सेकंड खुश रहना और सभी को पैगाम देना और संदेश देना दो ही काम है पूर्ति कला के। हर सेकंड खुश रहना, खुशी बांटना, दूसरों को बाबा का पैगाम। आगे बाबा ने कहा है चारों ओर के बाप दादा के दिल तक नशीन हर एक बच्चे को अमृत वेला। बाबा ने कहा है अमृत वेले विशेष शक्ति बांटते हैं, ये नोट करो, अमृत वेले विशेष वरदान और शक्ति बांटते हैं। जो अमृत वेले की शक्ति विशेष वरदान स्वीकार करते हैं वो विशेष तीव्र प्रसाद बनते हैं। तो नयों को तो खास अमृत वेले का ध्यान देना चाहिए, अमृत वेले का महत्व रखना, अर्थात बाप दादा के सदा दिन तक नसीब बनना। इसने अमृत वेला कर लिया सारा दिन बाप दादा के दिन तक नसीब रहेगा। तो कोई कई बच्चों को अटेंशन है और बाप दादा रोज उन्हों को खास सर्टिफिकेट देते हैं अमृत वेले वालों को, बाप अच्छे। अब बाबा आपको याद प्यार दे रहे हैं तो चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी हर समय बाप दादा को अपना साथी बनाकर कंबाइंड रहने के अभ्यासी बच्चों को बाप दादा विशेष वरदान दे रहे हैं। अकेले नहीं चलो, बाबा को साथ रख के चलो, कि सदा उड़ते चलो, दूसरों को उड़ाते चलो, दूसरों को भी उड़ाने का सहयोग देकर उड़ाते चलो। अगर वो नहीं उठते थोड़ी उसकी हिम्मत बढ़ाओ। सभी विजयी हैं और विजय का फल बाप दादा की हर समय दुआएं प्राप्त होती है। जो जीतता है छोटी छोटी बातों में भी बाप दादा उसको दुआएं देते हैं। तो अमर बन के सबको अमृत बनाते चलो। अमर बनना माने अपने को आत्मा मानो, क्योंकि मैं आत्मा अमर हूँ। चारों ओर के बच्चे बाप दादा के सामने हैं, हर बच्चे से बाप दादा को दिल का प्यार है, क्योंकि हर बच्चे में कोई ना कोई विशेषता है। कोई ब्राह्मण ऐसा पैदा ही नहीं होता जिसमें एक विशेषता हो। हर ब्राह्मण